तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कुरैशी फैमिली। तो आज हम बना रहे हैं बालक सॉरी पालक क्या बना रहे सॉरी मेरा मुँह से नहीं निकल रहा था। मैंने अम्मी से पूछा, हम बना रहे हैं बाकले की फली जो कि ऐसे दिखती है। हम तो इसे बाकला कहते हैं, आप बताइएगा आप लोग क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। हम तो बाकले की फली कहते हैं इसको। कीमे में बनती है तो हम बना रहे हैं इसको कीमे में। और मैं अम्मी के घर आई हुई हूँ आज, तो मैं अम्मी के घर पर ही बना रही हूँ ये खाना, कीमा और बाकला। तो मैं देती हूँ आपको रेसिपी, हमारे कुरैशियों में जैसे बनती है उस तरीके से मैं बताती हूँ आपको। ये इस तरह से टूटती हैं, देखिए हाथ से टूटती है ये, दिखाओ अम्मी। दोनों साइड से इसको निकाल कर इस तरीके से इसके ऐसे टुकड़े कर देते हैं हाथ से। इसे छुरी से या कैंची से नहीं काटती, क्योंकि इसके अंदर जो बीज होता है ना वो ना कटे, ये ध्यान रखना होता है, साबुत रहना चाहिए। तो इस तरह अम्मी तोड़ रही हैं और मैं करती हूँ अपने खाने की तैयारी। तो ये है हमारा रेड मीट, बड़े का गोश्त, हड्डीदार भी है, और ये है कीमा, 1.5 किलो है ये तकरीबन। इसमें हमने मसाले लिए हैं, कटी हुई हरी मिर्च, ये 3 टमाटर हैं बड़े टमाटर, 2 प्याज हैं ये कटी हुई, और अदरक है कटा हुआ। और इसमें ड्राई मसालों में जाएगा ये लाल मिर्च पाउडर है, 1 स्पून होगा ये, और ये 1.5 चम्मच हल्दी है, और ये 2 चम्मच पीली मिर्च है, खड़ा ज़ीरा, 2-3 लौंगे हैं, और 8-10 काली मिर्चें हैं, और नमक है। ये मसाले जाएंगे इसमें। कीमे को हमने वॉश कर लिया था और पानी भी इसका ड्राई कर दिया था छन्नी में रख के, तो हम ये अब कुकर में डालेंगे। कुकर में और ये मसाले भी हम डाल देंगे इसके अंदर। ये सब साथ में ही डलता है इसमें मसाले, बस बाकला कीमा भुनने के बाद डलेगा। और आप आलू भी डाल सकते हैं बाद में इसमें, तो हम आलू डालेंगे, वो बताऊंगी मैं आपको बाद में। और ये हम अपने ड्राई मसाले भी डाल देंगे, देखो तो ये हम ये 3 चम्मच लेंगे ऑयल, ये मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, और ये लहसुन का पेस्ट भी लेंगे 2 चम्मच। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे कीमे को और जो भी हमने मसाले डाले हैं। उसके बाद हम लगा देंगे इसमें सीटी लेंगे हम 2, और इसके बाद भुनाई कर। तो गाइस इसमें सीटियां आ गई हैं 2, मैंने कुकर खोल लिया है, अब इसकी हम भुनाई करेंगे बहुत अच्छे से। तो कीमा हमारा अच्छे से भुन गया है, ये देखिए, अब इसमें हम बाकला डालेंगे। बाकला हमारा टूट गया था और हमने इसे वॉश भी कर लिया अच्छे से। इसमें हम डालेंगे 1 मग पानी। तो गाइस इसमें मैंने पानी डाल दिया है, और बस अब हम इसमें सीटी ले लेंगे 1। 2 हमने गोश्त में ली थी, फिर भुनाई करी, फिर बाकला डाल के अब 1 सीटी लेंगे हम इसमें। तो गाइस हमारा बाकले में भी हमने 1 सीटी ले ली है, और इसकी भी हम थोड़ी भुनाई करेंगे। तो गाइस मैंने बाकले की भुनाई कर ली थी, हमारा बाकला हो गया है बिल्कुल बनकर तैयार खाने के लिए, देखिए। और हमारी अम्मी इधर पढ़ रही हैं नमाज, माशाल्लाह। इनसे वैसे पढ़ा नहीं जाता बैठकर, तो ये चेयर पर ही पढ़ती हैं नमाज। और अल्लाह पाक जैसे इन्हें हिम्मत देता, अल्लाह हमें भी हिदायत दे, आमीन। तो गाइस ये वीडियो मेरी 1 दिन पहले की है, वीडियो क्लिप जो मैंने इसमें ऐड कर दी है, मेरी फ्रेंड आई थी जिसकी शादी हुई थी, मैंने वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, तो वो ससुराल से पहली बार आई हैं मायके में, कुंडे हैं ना कल, तो कुंडे करने के लिए आई हैं वो अपने मायके, तो वो मुझसे मिलने के लिए आ गई थी। तो बस यहाँ पर खाना पीना चल रहा है, तो मैंने ये क्लिप इस वीडियो में ऐड कर दी, और बस यहाँ पर खाना पीना चल रहा है बस, उसके बाद साथ में ब्लॉग और रेसिपी का अपना एंड कर रही हूँ, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।
और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।